हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट सो एज वी ऑल नो कि नाइन्थ ऑफ फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से नीट यू जी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड टू आर सरप्राइज दिस ईयर एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन रिलीज ऑन द बिलो स्टेटेड वेबसाइट जो आप चेक कर सकते हैं लिंक हमने नीचे शेयर किया है लेट मी रीड रीड इट आउट वी यू विच इज एग्जाम्स डॉट एन टी ए डॉट ए सी डॉट इन तो so भाई कल हमने आपको दिखाया कि आप एप्लीकेशन फॉर्म लाइव कैसे फिल कर सकते हैं उससे पहले हम आपको बता चुके हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा एंड वेरियस अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस विथ यू आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपका सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे पास बल्क में स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि मैम मैं ट्वेल्थ पासड हूँ लेकिन सीबीएसई बोर्ड से हूँ मेरा कोड क्या लगेगा मैम मैं कर्नाटक बोर्ड से हूँ मेरा कोड क्या यूज़ होगा देन देर आर स्टूडेंट मैम हम बी कर रहे हैं सेकेंड ईयर में है कोड क्या लगेगा तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा प्लीज़ ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया यू गेट अ क्लैरिटी कि आपको कौन सा कोड यूज़ करना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग और सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करिए तो चलिए अब हम बात करते हैं कोड्स की सो मूविंग अहेड सबसे पहले कोड वन लेट मी टेल यू अगर हम कोड वन की बात कर रहे हैं तो कोड वन इन वेरी सिंपल वर्ड्स यूज होगा ट्वेल्थ अपियरिंग स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स ट्वेल्थ अपियरिंग है अगर आप ट्वेल्थ के एग्जाम्स इस साल दे रहे हैं विच मीन्स अगर आप फ्रेशर्स हैं आपका रिजल्ट अब आने वाला है रिजल्ट अवेटेड है तो आप इसमें कोड वन यूज करेंगे एनी बोर्ड ओके आप इसमें कोड वन यूज करेंगे आई एम बींग वेरी क्लियर अगेन आई एम रिपीटिंग अगर आप फ्रेशर हैं इस साल ट्वेल्थ दे रहे हैं इस साल ट्वेल्थ दिया है अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप यूज करेंगे कोड वन ओके अब हम बात करते हैं कोड टू की बहुत स्मॉल जिस्ट में मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी बस इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे कोड टू की अगर हम बात करें अगर आप ट्वेल्थ पासड हैं तो आपको कोड टू यूज करना है चाहे आपके स्टडीज में गैप हो चाहे आप आईबी बोर्ड से हो चाहे आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो सीबीएसई बोर्ड से हो अगर आप ट्वेल्थ पासड हैं तो आप यूज करेंगे कोड टू बीट फ्रॉम एनी बोर्ड देखिए कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कई बच्चों का क्वेश्चन जैसे मुझे आज सुबह ही कुछ बच्चों के कॉमेंट्स मुझे याद है हम रिप्लाई कर रहे थे तो एक बच्चे ने उसमें लिखा था मैम मैंने 2013 या 14 में ट्वेल्थ पास किया है तो मैं कौन सा कोड यूज़ करूंगा और क्या गैप सर्टिफिकेट लगेगा तो माय डियर स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कोड टू जब आप फिल करेंगे आपने ट्वेल्थ कभी भी पास किया हो किसी भी बोर्ड से पास किया हो आपका कोड टू ही, ही जाएगा ट्वेल्थ पास में अपियरिंग में नहीं ओके okay? और रही बात अगर हम करें गैप सर्टिफिकेट तो यस, माय डियर स्टूडेंट्स हमें गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे नहीं चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसिलिंग हमें गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा ओके स्टूडेंट्स ठीक है डाउट क्लियर अब सुनिए तो अब बात करते हैं कोड थ्री की और राइट सो टॉकिंग ऑफ कोड थ्री चलिए अगर हम कोड थ्री की बात करते हैं तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स जिन भी स्टूडेंट्स ने पीयूसी या पी डी सी कोर्सेस किए हैं जो बेसिकली कर्नाटक स्टेट में अवेलेबल है अगर आपने पीयूसी या पी डी सी कोर्सेस किए हैं तो आप यूज करेंगे कोड थ्री टॉकिंग ऑफ कोड थ्री Code three is basically used by Karnataka board students. If you have completed PUC or PDC courses, तो आप use करेंगे code थ्री okay? और ये basically Karnataka state board में follow होता है इसीलिए हमारे पास एक easy option है कि अगर आपने Karnataka से अपना ट्वेल्थ pass किया है तो आप code थ्री use कर सकते हैं okay? अब बात करते हैं कोर्ट फोर की सो टॉकिंग ऑफ कोर्ट फोर स्टूडेंट अगर आपने बहुत ईजी है इसे ध्यान से सुनिएगा इफ यू हैव डन नर्सिंग कोर्सेस इफ यू हैव कंप्लीटेड योर नर्सिंग कोर्सेस ठीक है और इफ यू हैव कंप्लीटेड योर बी एच एम एस बी एम एस बी फार्मा तो आप यूज करेंगे कोड फोर अगर आपने इनमें से कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है तो आप यूज करेंगे कोड फोर मैंने बी की बात नहीं करी है बी के लिए हमारे पास अलग कोड्स हैं, जो अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी सो so, कोड फोर यूज करेंगे बी एम एस बी एच एम एस बी फार्मा के चाहे आप परस्यूइंग हो या आपने कंप्लीट किया हो आप यही कोड यूज करेंगे ओके नाउ मूविंग अहेड हाँ एक और चीज कोड फोर चा अगर आप, आ, ने फॉरेन से प्री मेडिकल या प्री प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से तब भी आप कोड फोर ही यूज करेंगे ओके अगर आपने प्री मेडिकल या प्री प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से प्लस प्री प्रोफेशनल तो भी आप कोड फोर ही यूज करेंगे ओके अब बात करते हैं कोर्ट फाइव की सो लेट्स टेक दिस इंटू कंसिडरेशन कोर्ट फाइव स्टूडेंट्स कोड फाइव अगर आप बी एस सी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है अगर आपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है या परस्यू कर रहे हैं या फिर थर्ड ईयर भी अगर आप परस्यू कर रहे हैं ठीक है चाहे आप फर्स्ट परस्यू करें सेकेंड करें या थर्ड अगर आपकी बी की डिग्री आपके पास नहीं है बी एस सी परस्यूइंग में है आपका और उसमें भी लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी केयरफुली कि आपके सब्जेक्ट्स में एनी टू ऑफ पीसीबी प्लस इंग्लिश होना चाहिए ओके okay? तब आप यूज करेंगे कोड फाइव अगर आप बी एस सी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है आप कोड फाइव यूज करेंगे इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं कोड सिक्स की कोड सिक्स जिन्होंने बी एस सी कंप्लीट कर लिया है बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर आपने बी एस सी पास किया है विद पी सी बी प्लस इंग्लिश तो आप यूज करेंगे कोड सिक्स ओके विथ पी सी बी प्लस इंग्लिश एंड नाउ स्टूडेंट्स इसमें भी आपका गैप सर्टिफिकेट चाहिए हमें गैप सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग चाहिए होगा अभी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग अपलोडिंग में आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा अब बात करते हैं हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा पीसीबी में से दो सब्जेक्ट मस्ट है टू सब्जेक्ट्स आर मस्ट या तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो या केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स बायो पीसीबी तीन सब्जेक्ट्स में से कोई दो सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं आपके लिए अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट जस्ट वन सेकेंड कोड सेवन तो कोड सेवन यूज होगा एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए वेरी सिंपल कोड सेवन इज यूज फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स ओके तो अब एक रिव्यू ले लेते हैं स्टूडेंट्स लेट्स टेक अ लुक कोड टेकुक ट्वेल्थ अपियरिंग बीट एनी बोर्ड अगर आप ट्वेल्थ के एग्जाम्स इस साल दे रहे हैं आपका रिजल्ट है कोड वन ट्वेल्थ पास कर लिया है किसी भी बोर्ड से कोड टू कोड थ्री फॉर पीयूसी एंड पीडीसी डीसी कोर्सेज कोड थ्री जो कि अगर सिंपल वर्ड में बोले अगर आपने कर्नाटक बोर्ड से अपना ट्वेल्थ पास किया है तो आप कोड थ्री यूज करेंगे ठीक है नाउ कोड फोर नर्सिंग कोर्सेज लाइक बी एच एम एस बी एम एस बी फार्मा अगर आपने किया या फिर प्री मेडिकल एंड प्री प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपने फॉरन यूनिवर्सिटी से किए हैं तो आप कोड फोर यूज करेंगे मूविंग अहेड कोड फाइव स्टूडेंट्स बी एस सी फर्स्ट सेकेंड ईयर अगर आपने अपियर कर रहे हैं या फिर आपने बी एस सी थर्ड ईयर परस्यू कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे कोड फाइव अगर आपके हाथ में बी एस सी की डिग्री और फाइनल मार्कशीट नहीं है कोड फाइव और अगर आपने बी एस सी कंप्लीट कर लिया है विच मीन्स बी एस सी पास है आप बी एट एनी ईयर बिफोर तो आप यूज करेंगे कोड सिक्स ध्यान रखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन सब्जेक्ट्स में से दो सब्जेक्ट एटलीस्ट होने चाहिए आपके मैंडेटरी प्लस इंग्लिश और कोड सेवन यूज होगा एन कैंडिडेट्स के लिए दिस इज इट मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दिया है कि आप किस कैटेगरी में होंगे आपको कौन सा कोड फॉलो करना है ध्यान से वीडियो देखिए समझिए इफ यू वॉन्ट आप एक बार बुलेटिन पर भी कोड डिटेल्स दी है उसे ध्यान से पढ़ लीजिए देन अपनी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करिए इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो फील फ्री टू कॉमेंट आउर इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स है ग्रेट डे अड बाय